घर की जिम्मेदारी, यहाँ के प्रेशर, वहाँ के प्रेशर सर पे आता है भाई, क्योंकि अपन लोग लड़के हैं, तुम लोग समझ सकते हैं भाई मेरी बात को। यू ऑल राइट, सो वाज यान बैक हियर अंडर द कूल ब्लॉग बेबी। सो आज हम लोग वापस आ गए एक ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग ब्लॉग नहीं है, ये वीडियो है जो मेरे ऊपर है कि मैं इतने टाइम से कहाँ था, क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, सब क्या चल रहा था मेरी लाइफ में, मैं इतने टाइम से इनएक्टिव क्यों था। आज की वीडियो में मैं तुम लोग सब बताऊंगा। और लगभग आज मैं कुछ एक डेढ़ या दो साल के करीब करीब हो गया उसके बाद मैंने आज हाथ में कैमरा उठा, और ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा मेरे को यानी लाइक सब फ्लैशबैक हो रहा है और मेरे दिमाग की सारी तार हिल रही है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे को तुम लोगों को बतानी है, काफ़ी कुछ है आज बताने के लिए मेरे पास। तो स्टार्ट करते हैं, तुम लोगों को मैं सब डिटेल में बताऊंगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। सो वीडियो को देखो तो मालूम पड़ेगा मेन रीज़न क्या है वीडियो का, क्या नहीं है वीडियो का। रियलिटी चेक वीडियो है जो मेरे को पड़ा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेरे लोगों तक पहुँचे। सबसे लाइक मैं अभी डाउन जा रहा हूँ तो ज़रूरी है ये लोगों को पता चले कि वैसे भी मेरे जो मेरे लोग हैं वो मेरे को कुछ भी हो जाए वो छोड़ेंगे, मेरे को इतना तो पता है। जो मेरे थे ही नहीं वो चले गए, जो मेरे हैं वो अभी भी मेरे साथ है, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। और इसी चीज़ की वजह से आज मैं कमबैक कर रहा हूँ भाई, कि मेरे लोग मेरे लिए जो इंतज़ार में है मेरे, उन लोगों के लिए आज मैं रिटर्न कमबैक कर रहा हूँ। सो ये वीडियो को पूरा 1.5 साल पहले की बात है जब मैंने लास्ट वीडियो ड्रॉप किया था, यूट्यूब वीडियो मेरा हेयर कलर का, उसके बाद से मैं लगभग टोटली सोशल मीडिया से गायब हो गया। तो इसका रीज़न ये था कि मैं लाइक लाइफ को बहुत हल्के में लेता था ब्रो, एकदम हल्के में, कि कुछ मतलब नहीं है भाई, मतलब हंसते खेलते ज़िंदगी कट जाएगा, कैसे भी निकल जाएगा ज़िंदगी, बट ब्रो ऐसा नहीं है। पहला रीज़न ये था कि मैंने मुंबई छोड़ दिया, मुंबई छोड़ के हम लोग अलीबाग रहने चले गए, और अलीबाग हम लोग इसलिए रहने गए थे क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे मेरे, फैमिली इशूज़ था, तो उस वजह से हम लोग अलीबाग रहने चले गए। उसके बाद दूसरी चीज़ ये हुई कि सब फालतू चीज़ में लग गया, मतलब क्या ही बताऊँ, फालतू चीज़ तुम लोग समझ ही रहे होंगे, तो वो सब चीज़ों में लग गया ब्रो, वो चीज़ें कुछ नहीं देती भाई। तो वो चीज़ों ने भाई मेरा लगभग एक साल तो वही चीज़ों ने खा ली। उसके बाद जब मैं लाइक अब बढ़ती उम्र है भाई, तो बढ़ती उम्र के साथ घर की जिम्मेदारी, यहाँ के प्रेशर, वहाँ के प्रेशर सर पे आता है भाई, क्योंकि अपन लोग लड़के हैं, तुम लोग समझ सकते हैं भाई मेरी बात को। तो यह सीन ये हो गया कि हम लोग अलीबाग से फिर रिटर्न मुंबई आने का प्लान किया, हम लोग रिटर्न मुंबई आ गए रहने के लिए, मुंबई आ गए रहने के लिए। फिर उसके बाद भाई मैं जॉब पे लग गया, मैं बोला भाई कब तक घर पे प्रेशर डालूँगा, कब तक घर से मैं लूँगा, ये सब करूँगा। उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली भाई, तो उस बीच जब मैं लाइक अलीबाग में था, जब मेरे को भाई मतलब मेरे को ऐसे ज़रूरत थी मेरे दोस्त लोग की, मेरे सब साथ वालों की, लेकिन भाई वो टाइम पर कोई खड़ा नहीं होता भाई। और इवन आज भी भाई कोई खड़ा नहीं, आज भी भाई मैं अकेला वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं, आज भी मैं अकेला वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई। तो एक चीज़ मैं समझ गया भाई कि किसी के लिए कितना भी कर लो भाई, कोई दोस्त रहे, कुछ भी रहे भाई, कितना भी बेस्ट फ्रेंड रहे, कुछ भी रहे, कोई काम नहीं आता भाई, ना दोस्त, ना यार, ना रिश्तेदार, कोई काम नहीं आता भाई अपने को, जब तक खुद मरेंगे नहीं, जब तक खुदा देखेगा नहीं, वैसा सीन है। तो भाई रियल लाइफ तो सबको मालूम ही है, रियल लाइफ कुछ मतलब की नहीं, लेकिन भाई रियल लाइफ बहुत मैटर करती है। और रियलिटी चेक जब मेरे पे पड़ा भाई, तो मैं लाइक सब मेरे को जानते हैं मैं कितना भाई कैसा बंदा था मैं, और अब मैं कैसा हो गया मेरी बातों से तुम लोगों को पता लग रहा रहेगा। तो वैसी सीन हुआ भाई, मेरे को एक रियलिटी चेक पड़ा, मेरे को एक धक्का पड़ा भाई ज़िंदगी का। और एक धक्का पड़ने पे अगर बंदा नहीं संभले ना, तो भाई दूसरी बार सीधा बंदा खाई में जाके गिरता, और खाई से बाहर आना बोले तो बहुत टफ है भाई। तो ऐसी सीन होते रहे भाई, मैं बहुत सोचा कि क्या करने का है, क्या नहीं करने का है, क्या करने का, ऐसी करते करते भाई मैंने टाइम बहुत वेस्ट किया। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई जब तक टाइम है तो टाइम की कदर करो, जब तक तुम्हारे पास चीज़ें हैं तो चीज़ों की कदर करो, जब तक तुम्हारे पास है जब तक के चीज़ों को संभालो। मैंने वक्त होते हुए भाई कुछ भी नहीं संभाला, एक सिंगल चीज़ नहीं संभाल सका भाई। मैं इतना इरिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ को लेके, मैं क्या बताऊँ भाई। मैं जो भी हाल में मैंने जितना भी टाइम काटा, सब भाई सब मेरी गलती है इस चीज़ का। मैं किसी को भी दोष नहीं दे सकता कि लाइक किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से, किसी को भी दोष नहीं दे सकता भाई। मैं क्या बोलूँ, एकदम फकता है मेरा माइंड, जो भी है सब मैंने किया भाई, सब मेरी गलती है, ये चीज़ मैं कबूलता हूँ, इसलिए आज मैं कमबैक कर रहा हूँ। वरना आज भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी भाई, अभी भी लाइक मैं जब ये वीडियो शूट करने के लिए मैं सोच रहा था कि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बहुत, क्योंकि भाई 1.5 साल हो गया मैंने हाथ में कैमरा लिया नहीं, मैंने फेस टू फेस पब्लिक से बात किया नहीं, मतलब लाइक ऐसा अटैचमेंट वाला वीडियो नहीं बना पाया, कुछ नहीं कर पाया भाई। तो बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग
वो था, लेकिन फिर मैंने रिटर्न मेरा YT स्टूडियो खोला। आज से ठीक 4 दिन पहले जब मैंने मेरा YT स्टूडियो खोला था, जब मैंने देखा उसके अंदर कमेंट्स, जब लाइक जैसे लोग बोल रहे थे कि ज़ियान भाई वापस आ जाओ, ज़ियान भाई ये ना वो, हमारा ज़ियान भाई हमको वापस कर दो, ऐसा ना वैसा, तो मेरे को लाइक सही में ऐसा लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास होते हुए मैं चीज़ों की कदर नहीं कर रहा हूँ। अभी भी मतलब मैंने सोचा कि यार अभी भी लेट नहीं हुआ है भाई, अभी भी लेट नहीं हुआ है। मेरे को तुम लोग के कमेंट्स ने, तुम लोग के लाइक्स ने, तुम लोग के व्यूज़ ने, तुम लोग के इंतज़ार ने भाई मेरे को रिटर्न मोटिवेट कर दिया ताकि मैं आज फिर कैमरा उठाऊँ और फिर से मैं स्टार्ट करूँ। वरना मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया था कि भाई मैं रिटर्न ब्लॉगिंग करूँगा ये, या सोशल मीडिया में वापस मैं मेरा हाथ डालूँगा। मैंने सब छोड़ दिया था भाई, मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। मैं लाइक मैं अभी जॉब कर रहा हूँ ब्रो, भाई भाई लोग मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मतलब मेरे को मंडे टू फ्राइडे लाइक सैटरडे मॉर्निंग तक मेरा जॉब रहता है। तो अब मैंने सोचा कि लाइक सैटरडे और संडे ये 2 दिन वीडियोस ड्रॉप करूँगा मैं, और ये 2 दिन मैं पक्का एकदम फॉर श्योर बोलता हूँ भाई, अब की बार अगर मैं आया हूँ, अब की बार मैं अगर कमबैक लिया हूँ, तो अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। अब मेरे को कोई चीज़ का टेंशन नहीं है भाई, क्योंकि मैंने देख लिया कि कोई दोस्त, कोई यार, कोई रिश्तेदार, कोई काम नहीं आया भाई, कोई भी काम नहीं आया। जब मेरा टाइम था, जब मैंने अकेले फेस किया भाई, सब कुछ अकेले फेस किया भाई, कोई काम नहीं आता भाई, कोई भी काम नहीं आता। काम आते हैं तो अपन खुद अपने लिए बस, और कोई काम नहीं आता भाई। जब तक खुद मरेंगे नहीं, जब तक खुदा नहीं दिखेगा, ये हिसाब है भाई आज के टाइम का। तो अगर अब मैं कमबैक ले रहा हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, तुम लोग अब मेरे को सपोर्ट करेंगे लाइक जैसा मेरे को पहले सपोर्ट मिलता था, वैसा मिलना चाहिए मेरे को सपोर्ट। तुम लोग अपना प्रीशियस टाइम मेरे को दोगे भाई, एक 5 मिनट का वीडियो, 6 मिनट का, जो भी है। अब जो भी गलती हो गई मेरे से हो गई, लेकिन अब से मैं सैटरडे संडे आई प्रॉमिस्ड कि मैं वीडियोस डालूँगा। तुम लोग के जो प्रीशियस कमेंट, लाइक्स और व्यूज, और तुम लोग का प्रीशियस टाइम जो मैंने देखा मेरे चैनल पे आज भी है, मेरे इंस्टाग्राम पे आज भी है, लोग कमेंट में बोलते हैं कि ज़ैन भाई वापस कर दो, हमारा ये वापस कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो भाई अब से ऐसा नहीं होगा भाई। अब से मैं वादा करता हूँ कि अब से अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो अब से अपन रुकेंगे नहीं। जो सोचे थे वो वहाँ पहुँच के उसके बाद भी रुकेंगे नहीं। आई स्वेयर भाई, अब मैं सही में बोलता हूँ कि अब से मैं चीज़ों की कदर जान गया हूँ। अब जब मेरे को लाइफ का धक्का पड़ा तो अब मेरे को समझ में आ गई है लाइफ, तो अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। अब से सब टाइम टू टाइम करेंगे, अब सब सही चलेगा, एकदम लाइन से चलेंगे, और बता देंगे कि भाई ज़ैन ज़ैन है, और चीज़ें चीज़ें उसकी, और उसके लोग हैं। सो ये वीडियो कल मैं ड्रॉप कर दूंगा, और इसके बाद अगला वीडियो मैं जो भी लाऊंगा अच्छा ही लाऊंगा, फॉर श्योर तुम लोग के लिए ऐसा कुछ आड़ती भी चीज़ नहीं लाऊंगा भाई, जो भी लाऊंगा। तुम लोग स्टार्टिंग से ही देखे, जो भी चीज़ें मैंने बताया बहुत यूज़फुल और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें बताया। तो अब से भी सैटरडे संडे का खाली वेट करना रहेगा, बस सैटरडे संडे आया, सैटरडे के दिन वीडियो ड्रॉप नहीं होगा, संडे की मॉर्निंग में वीडियो ड्रॉप होगा, और दूसरा वीडियो भी संडे के दिन शूट होगा, मंडे मॉर्निंग को ड्रॉप होगा, क्योंकि एडिटिंग के लिए टाइम जाता है, और एडिटिंग में मैं खुद करता हूँ, चाहे वो फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, कुछ भी हो, मैं खुद मेरा सब करता हूँ भाई। खुद मर रहे थे खुदा नहीं दिखता, एक बात याद रख लो, ये दिमाग में डाल लो। और अगर टाइम है तो टाइम की कदर करो, चीज़ें ख़राब मत करो, अगर तुम्हारे पास होते हुए यानी सब कुछ है तो उसको बर्बाद मत करो, उसको संभाल के लेके चलो भाई। एक बार हाथ से वक्त पिसल जाने के बाद वक्त वापस नहीं आता। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा भाई, बस अब जैसा प्यार देते थे वैसा प्यार देते रहो, जैसे सपोर्ट देते थे वैसा सपोर्ट देते रहो, और कोई चीज़ की उम्मीद नहीं है भाई। बस मेरे को इतना ही चाहिए, इतना कर दो मेरे लिए, बहुत है मेरे लिए। और आई अप्रिशिएट तुम लोग मेरे को अपना टाइम दे रहे हो, इतना अप्रिशिएट, ये वीडियो भी देख रहे हो। तो बस अब यही बोलूँगा कि मेरे साथ रहो, मेरी फैमिली हो तुम लोग। बाय, आई लव यू ऑल।